गोमुख आसना में बैठने के लिए अगर आप खड़े हो तो आप इस तरीके से बैठ सकते हो, वरना आप सामने पैर फैलाकर दोनों घुटनों को मोड़कर इस तरह रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर कि दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएं। इस बात का ध्यान रखना है कि जो पैर ऊपर है उसी साइड का हाथ ऊपर जाएगा और जो पैर नीचे है वह हाथ पीछे से ऊपर जाएगा। सपोज अगर राइट लेग ऊपर की साइड है तो राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे से ऊपर की तरफ जाकर दोनों हाथों को ऐसे पीछे की साइड पकड़ने की कोशिश करेंगे और फेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे ताकि हमारी जो चिन है इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। और पेट तक लंबी सांस लेंगे। रिलैक्स होकर इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट बैठिए। अगर आप हाथों को ऐसे ऊपर ले जाकर नहीं पकड़ सकते तो दोनों हाथों को पीछे ले जाकर क्लैस्प योर हैंड्स लाइक दिस एंड होल्ड। ये आसन हमारे चेस्ट के मसल्स को ओपन अप करता है, वेरी गुड फॉर हार्ट एंड चेस्ट मसल्स। अब दोनों पैरों की पोजीशन चेंज करने के लिए या तो आप उठकर ऐसे रोटेट होकर बैठ जाइए या फिर बैठे बैठे भी एक दूसरे पैर को ये पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके अपर बैक और नेक में दर्द है या स्टिफ नेक है आपकी या फिर यू कैन से स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यू है आपको तो ये आसन आपके लिए बहुत बेस्ट है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसको ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ये हमारे लंग्स की मसल्स को फैलाकर हमारे जो सांस लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर 10 मिनट या उससे ज़्यादा आप इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपकी थकान, चिंता, स्ट्रेस सबको दूर कर देता है। आपके शोल्डर्स में इंजरी है या बहुत ज़्यादा पेन है या नीज में पेन है या कोई भी मसल्स या लिगामेंट डैमेज हो गया है या पाइल्स का इशू है तो आप इस आसन की प्रैक्टिस ना करें।